भारतीय सिनेमा में अपने शानदार अभिनय की नायाब छाप छोड़ने वालों की श्रेणी में सबसे पहले जिस अभिनेत्री का नाम आता है वो है अभिनेत्री तबू, जिन्होंने अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। इन्होंने अपने करियर में बहुत सी फिल्में बॉलीवुड को दी और जितने भी किरदारों को निभाया उन सभी को अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन से यादगार बना दिया। ये एकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी छवि फैंस के दिलों पर हमेशा राज करती है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हिंदी सिनेमा जगत की अभिनेत्री तबू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एनी स्कूल से की थी और बाद में सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। लेकिन अगर बात करें इनके फिल्मी करियर की तो इन्होंने साल 1982 में फिल्म बाजार में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और इस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इनका रोल बहुत ही छोटा था, पर फिर भी इन्होंने इस रोल को काफी अच्छे से निभाया। इसके बाद इन्होंने साल 1985 में फिल्म हम नौजवान में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया और बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिया। इनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखकर कई और निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर दिए, जिन्हें इन्होंने बखूबी स्वीकार किया और उन सभी में शानदार प्रदर्शन दिया, जिनमें पहला पहला प्यार, विजयपथ, हकीकत, हिम्मत और तू चोर मैं सिपाही जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। वर्तमान में ये अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग में बिजी हैं, जो जुलाई 2020 को रिलीज होगी। इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है और साउथ के सुपरस्टार कमल हसन और नागार्जुन जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के रियल लाइफ पति के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर इनके अफेयर्स के चर्चे पूरे हिंदी सिनेमा जगत में फैले हुए हैं। सबसे पहले इनका अफेयर फिल्म प्रेम के सह कलाकार संजय कपूर के साथ था और इन्होंने जल्द ही इस बात को स्वीकार भी किया कि वो इस फिल्म की शूटिंग से पहले ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जल्द ही इन दोनों का ये रिश्ता टूट गया। संजय कपूर के साथ असफल रिश्ते के बाद इन्होंने डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला को डेट करना शुरू किया। उस समय साजिद अपनी पत्नी की अचानक मृत्यु के सदमे से जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने तबू में अपना साथी ढूंढा और इन्होंने काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया और अपने रिश्ते को गुप्त ही रखा। लेकिन इन्होंने गलती से एक रेडियो साक्षात्कार में अपने रोमांटिक रिश्ते का खुलासा कर दिया, जिसके चलते साजिद ने जल्द ही इनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया। इन दोनों रिश्तों के असफल रहने के कारण इन्होंने इन सभी बातों से अपने आप को अलग कर लिया और अपने करियर में बिजी हो गई। पर जल्द ही एक और अभिनेता के साथ इनके रिश्ते की खबरें आने लगी और वो अभिनेता थे साउथ सुपरस्टार नागार्जुन, जिनके साथ इन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया था। उस समय इनके अफेयर ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो पाए। नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे, इसलिए अपने रिश्ते का कोई भविष्य नहीं देखते हुए ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इन्होंने सच में किसी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, पर वो कौन है उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। साल 2015 में इनकी अपने से कम उम्र के बिजनेसमैन के साथ शादी करने की खबर सामने आई थी, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि ये रहस्यमय दूल्हा कौन है। इन्होंने फिल्म दृश्यम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया था कि वो उनके साथ मुंबई में बसने का इरादा रखती हैं और इनका विदेश जाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि ऐसे कोई दस्तावेज या शादी की तस्वीरें नहीं है जिन्हें इस बात के प्रमाण के रूप में लिया जा सकता हो कि तबू वास्तव में शादीशुदा हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनका ये रहस्यमय दूल्हा कौन है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।